जबलपुर शहर का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। सांसद राकेश सिंह का कहना है कि जबलपुर में विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है। जबलपुर में वैसे तो एक फ्लाईओवर का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है, वहीं दूसरी ओर कटंगा से सदर तक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू होना है। कटंगा रोड पर लगने वाली जाम से अब शहरवासियों को जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। सदर विरवानी पेट्रोल पंप से कटंगा क्रॉसिंग तक बनने वाले इस फ्लाईओवर का भूमि पूजन सांसद राकेश सिंह ने किया। इस पुल की लंबाई तकरीबन 700 मीटर की होगी और इस फ्लाईओवर का कार्य लगभग एक साल में पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसकी लागत तकरीबन 24 करोड़ रुपए होगी। जबलपुर बहुत तेजी के साथ अपना स्वरूप बदल रहा है। कभी जबलपुर को एक बड़ा गांव कहा जाता था, आज जबलपुर में विकास कार्यों की एक तरह से हम देखें तो झड़ी लगी हुई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी, उनके नेतृत्व में जबलपुर में विकास के जो कार्य हो रहे हैं उनके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। उसी क्रम में आज कटंगा पर ये फ्लाईओवर जो लगभग 24-25 करोड़ रुपए की लागत का होगा, लगभग 700 मीटर की लंबाई का होगा, ये कटंगा चौराहे पे होने वाले अक्सर लगने वाले जाम से क्षेत्र के लोगों को निजात दिलाएगा, यातायात व्यवस्थित होगा और जबलपुर को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाएगा। इसके लिए लगभग एक साल का समय तय हुआ है, एक वर्ष में ये कार्य पूरा हो जाएगा।